मोटोरोला इन दिनों अपने एक नए अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि मोटोरोला एच 40 नियो नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा और ये वाला स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये वाला सबसे पहले फ़ोन ग्लोबली लॉन्च होगा, क्योंकि हाल ही में ये वाला फ़ोन अमेजन इंडिया की अमेजन ग्लोबल मतलब अमेजन की ग्लोबल वेबसाइट पर वाला फ़ोन स्पॉट किया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि लिस्ट हुआ है, मतलब उनकी वेबसाइट पर अचानक से लिस्ट हो चुका है, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि मोटोरोला एज 40 नियो स्मार्टफोन एग्जिस्ट करता है। और बेसिकली ये भी बताया जा रहा है कि ये फ़ोन नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिल सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वाले फ़ोन के बारे में, क्या कुछ नया हो सकता है और आखिर क्या प्राइसिंग हो सकती है और इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले यही सवाल होता है कि जो ग्लोबली स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं मोटोरोला के, वो आखिर इंडिया में क्यों देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि क्या इंडिया को मोटोरोला इंडिया मार्केट को थोड़ा छोटा समझता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मोटोरोला का ये फ़ोन स्पॉट हुआ है अमेजन की वेबसाइट पे। थोड़े टाइम के लिए वाला स्मार्टफोन स्पॉट किया गया, इसके बाद हटा लिया गया। ये ग्लोबली वेबसाइट पे स्पॉट हुआ है, स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से हुआ। हालांकि इस वाले फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में पता चला है, बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को वाला फ़ोन 15 सितंबर को वाला फ़ोन हमें ग्लोबली देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़े टाइम बाद स्क्रीनशॉट को हटा लिया गया। हालांकि इस वाले फ़ोन को लेके फिलहाल अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। हालांकि लिस्टिंग थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद इसको हटा भी लिया गया था। बात करेंगे इस वाले फ़ोन के बारे में। हालांकि जो अमेजन पे जो इसकी लिस्टिंग निकली है, सिंगल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में ये लिस्ट हुआ था, 12 GB RAM एंड 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस लगभग 36,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है, यानी 399 यूरो में हुआ है। अगर इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 36,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस को लिस्ट किया गया। हालांकि इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस भी निकल के सामने हैं, क्योंकि ये कैसे छूट सकते हैं। भले ही थोड़े टाइम के लिए लिस्ट हुआ हो, लेकिन हमारे तो न्यूज़ एजेंसी बिल्कुल फास्ट हैं, तुरंत चीज कहते हैं ना, निचोड़ के सब कुछ रख देती हैं। तो संभवतः इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस भी स्पॉट किए गए हैं। तो इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर ध्यान दिया जाए, तो डिस्प्ले में ये बताया जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में 6.55 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन की POLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। साथ साथ इसमें एक 144Hz का एक रिफ्रेश रेट भी हो सकता है। अगर प्रोसेसर की बात करा जाए, तो इस वाले फ़ोन में Dimensity 1050 चिपसेट मिलने की उम्मीदें बहुत की जा रही हैं। हालांकि वाला फ़ोन सिंगल स्टोरेज वेरिएंट पे होगा, यानी 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज, माइक्रो एसडी कार्ड के द्वारा इसे नहीं बढ़ा सकते हो। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बारे में बात की जाए, तो पीछे की तरफ हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी और दूसरा एक 13 MP का सेंसर हो सकता है। सेल्फी के बारे में अगर बात की जाए, तो बताया ये जा रहा है इस वाले फ़ोन में हमें 32 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले में पंच होल कट देखने को मिलेगा, ये तो सदैव है। हालांकि फ़ोन के जो रेंडर्स निकले हैं, पीछे की तरफ इस वाले फ़ोन का थोड़ा बैक लुक दिखाया जा रहा है, फ्रंट के बारे में फिलहाल अभी अननोन है। एक चीज़ और कंफर्म की जा सकती है, कहा जा रहा है इस वाले फ़ोन में एक 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ ही साथ ये IP रेटिंग को भी सपोर्ट करेगा। डुअल वाईफाई 4G और 5G ये भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस वाले फ़ोन में 3.5mm जैक के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है। टाइप सी को सपोर्ट करेगा, USB टाइप सी ऑन द गो वाली फीचर्स भी देखने को मिलेगी। चुटपुट के जितने भी फीचर्स हैं, वो सारे इस वाले फ़ोन में सपोर्ट किए जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो वाला फ़ोन एक तरह से फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही कहलाएगा। हालांकि जो स्पेसिफिकेशंस निकले हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए और जो प्राइस है, तो हमें मैंने पहले कहा था ना, 35,000 के आसपास की प्राइस के साथ ये लॉन्च होगा। अगर इंडिया के बारे में बात की जाए, तो 30,000 के आसपास हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। बाकी एंड्रॉयड 13 पे बूट करेगा और साथ ही साथ इसमें मोटोरोला की कस्टम स्किन भी देखने को मिली। हालांकि मोटोरोला के फ़ोन सारे स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील देते, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस के लिए मोटोरोला अपनी स्किन को ऐड करता, ताकि इसमें यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा मिल सके। इससे पहले मोटोरोला की एच 40 सीरीज भी हमें देखने को मिली थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्मार्टफोन थे, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, प्राइस रेंज भी सबसे ठीक ठाक रहा था। बाकी आप लोग के क्या विचार इस वाले फ़ोन को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो, या फिर आप अगर एक अच्छा सा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स देख रहे हो, तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।